क्या कैच था। टेस्ट खेल लिया, T20 खेल लिया, ODI भी खेल लिया, सारे फॉर्मेट खेल लिए, लेकिन एक फॉर्मेट बचता था और सबसे मुश्किल फॉर्मेट खेलने के लिए T10। तो आज से हम लोग एशिया कप शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया ए श्रीलंका और बांग्लादेश, ये पांचों एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। और ये फॉर्मेट, ये पूरा का पूरा सीजन T10 फॉर्मेट में खेलने वाले हैं हम लोग। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राउंड वन ऑलरेडी हो चुका है, राउंड वन के अंदर चारों टीमों का मैच हो गया था, इंडिया ए का कोई मैच था नहीं। तो हमारा पहला मैच बांग्लादेश के साथ में है। और हाँ, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया ए के अंदर वो टिपिकल इंडिया वाली टीम नहीं है। इंडिया ए के अंदर मैंने वो प्लेयर्स भी इंक्लूड कर लिए हैं उनकी स्क्वाड के अंदर, जो कि WTC फाइनल को खेलने के लिए नहीं जाएंगे और हमारी टीम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो फटाफट से अब और देरी ना करते हुए ये मैच शुरू करते हैं। To the middle now. It's time for the coin toss. ये कैसा राहुल है भाई? और देखते हैं टॉस कौन जीतता है। मैं चेज ही करना प्रेफर करूंगा। और हम टॉस भी जीत गए हैं। और जैसे कि मैंने कहा, मैं चेज ही करूंगा। मेरा फर्स्ट ही T10 मैच है भाई। पहले ही मैच में मेरे को टारगेट सेट नहीं करना है। तो हमको AI ने देवदत्त पार्टिकल दिया है बॉलिंग कराने के लिए। मतलब कुछ भी फील्ड सेट है और T10 की हमारी शुरुआत आज हो चुकी है। और ये पहली बॉल भुवनेश्वर डालते हुए, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है इनके पास में। ओ, ये नो बॉल हो गई, वाइड भी हो गई, सब कुछ हो गया। ये भाई बच गया। मेरे को लगा नो बॉल हो जाएगी। ओके दे जल्दी दे। गुड, बहुत बढ़िया फील्डिंग। ओ माय गॉड, पहले ही ओवर में एज लगते हुए, और एज गया भी वहां से है। ये पकड़ा भी नहीं जा सकता था यार, क्या ये पकड़ा जा सकता था। एक और एज पर फील्डर था इस बार। ओहो, फील्डर है पीछे, पकड़ ले, बढ़िया। अच्छा हाँ गाइस, आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा 0.6 ओवर्स, क्योंकि एक ओवर के अंदर 8 बॉल्स रखी हैं। मैं शायद आपको बताना भूल गया था। और ये पावर प्ले भी एक ही ओवर का होगा। इसके बाद में जो सेकंड पावर प्ले होगा वो होगा हमारा 10th ओवर। तो T10 में थोड़ा मैंने हमारा मिर्ची मसाला भी डाला है, नॉर्मल T10 नहीं रखा है। और एक और सरप्राइज ये है, दोनों एंड से नई बॉल्स ली हैं। क्या ये कैच होगा? बहुत आगे पर गई यार, बहुत ज़्यादा आगे गिरी है। पर यार ये थ्रो भी गलत एंड पे है। एक ही बॉल के अंदर दो बाहर अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। इस बार थ्रो सही एंड पे गया, बस कर दे, और ये मिल गया पहला विकेट। सेम बॉल लेकिन नतीजा इस बार अलग, और विकेट हमें मिल गई है। हर बार नहीं बचेगा बेटे, डाइव भी उसने आउट होने के बाद की है। ओह क्या बढ़िया शॉट मारा है, एकदम बॉल को अपने पास तक आने दिया, उसके बाद उसने रिएक्ट किया बॉल को। बढ़िया, बहुत बढ़िया बीट किया। बस इसी तरीके से ना इनको रोक के रखना है हमें। बढ़िया बॉलिंग, बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहा है दुबे। अभी तक के ओवर के अंदर सिर्फ 2 रन आए हैं। आहा, लड्डू बॉल के ऊपर ही आउट होते हुए। पर ये शायद मिसिंग लेंगे। और एक और सरप्राइज है, एक रिव्यू की जगह 2 रिव्यू रखे हैं मैंने। वाह, पिच ही बाहर हुई है ये तो। मेरे ख्याल से ना अब स्पिनर्स को लाने का टाइम आ गया है, और स्पिनर्स मैंने सुंदर, तेवटिया और चहल खिलाए हैं। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस ही लेके आते हैं हम। आई थिंक एक गलती कर दी है मैंने। नहीं, बच गया मैं, इस बॉल पर बच गया हूँ। मैंने ऊपर का पूरा खाली रखा हुआ, और ये, अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया। गलती मैंने नहीं, गलती उसने करी है। ये मतलब कौन सा रन था भाई, क्या रन था ये? ऐसे हम लोग आउट होते हैं, AI तेरे को कोई हक नहीं है ऐसा आउट होने का। मतलब क्रीज में आया हुआ था, सोचा कि मैं घूम के आ जाता हूँ, तो जाके आ जा भाई। और सौम्या की सरकार का राज इस मैच के लिए यहाँ पे समाप्त होता है। बस ये लगा ही था मेरे को, ये वहीं शॉट मारेगा। अब मार, अरे पकड़ ले तू यार। अरे भाई पकड़, क्या करा ये इसने।
हाँ आराम से भाई, कल दे दियो तू, आराम से दे दे। चौथा भाग रहे थे वो लोग, बेशर्मी देखी। इतनी बढ़िया इनको मैं बॉल दे रहा हूँ, खेलो यार अच्छे से, मारो शॉट, विकेट दो। अरे बाउंड्री नहीं, बढ़िया बढ़िया, और थ्रो भी बहुत बढ़िया है, डायरेक्ट लगेगा क्या? नहीं, क्या है, क्या कोई फील्डर वहां पे? नहीं, गैप बढ़िया निकाल रहा है यार ये। ओरे ये लग, मेरे फील्डर्स ने कहा वो ही क्यों गैप निकाले, हम भी निकालेंगे। ओ हो, क्या बीट किया है यार, बढ़िया बीट किया है। इनका क्या स्कोर है, एक मिनट में एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को। डिफिकल्टी देखो T10 की, मैंने इतनी बढ़िया इनकी डिफिकल्टी लगा रखी है, बॉलिंग मेरे लिए इतनी हार्ड है, और इन लोगों का स्कोर देखो, मतलब क्या 10 की रन रेट भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहे ये लोग, क्योंकि एक ओवर में भी 8 बॉल हैं। एक ना यॉर्कर ही देता हूँ, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। ये आउट हो गया, मेरे ख्याल से आउट है। एक और विकेट मिलती हुई और कप्तान साहब की पारी यहाँ पे समाप्त हुई बांग्लादेश की। आज सबको बॉलिंग मिलेगी, जिस हिसाब से ये लोग बैटिंग कर रहे हैं, आज मैं सबको बॉलिंग दूंगा जितने बॉलर हैं मेरे। ओ, क्या ये कैच था? नहीं, पर टिप्पा खाई कहा, बहुत बढ़िया पकड़ा यार उसने। ओ यही टिप्पा खा गई, पकड़ ले। ये टेस्ट मैच चल रहा है, T10 तो कहीं से लग नहीं रहा मुझे भाई। ये रियल में अगर ऐसा हुआ भाई, बोलते ही मार दिया उसने, आउट है, प्लम है ये तो, दे दिया है नितिन मेनन ने। और एक और विकेट डाउन बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में जाके बताओ, अभी चीटिंग मत करना कोई भी, क्या बांग्लादेश 100 रन के पार भी पहुंच पाएगी? 50 तो हो ही जाएंगे, 46, 47, 49 हो गए इनके। जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन में बताओ कि 100 के पार क्या पहुंच पाएगी। ओहो फाइनली उठाया है, पर इस बार भी 4 रन नहीं मिलेंगे इनको, कि आउट हो सकता है अगर डायरेक्ट हिट लगा तो। थ्रो अच्छा था, ओहो स्विच हिट, पर क्या फायदा, क्या ये कैच होगा? नहीं, ये तो चौका हो जाएगा, और हो गया चौका। बांग्लादेश फाइनली एक धंका टारगेट सेट करने की उम्मीद में, और एक रिवर्स स्वीप, पर क्या मिला? कुछ नहीं, फील्डर के हाथ में सीधा। मैं ना यहाँ पे स्क्वाड के अंदर से 6 बॉलर्स लेके आया था, ये सोच के कि मेरे पे AI भारी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इतनी हाई डिफिकल्टी सेट कर रखी है T10 में, और AI को देखो। Just then. ऐसे ये लोग अभी भी जीत सकते हैं, ये शायद नो बॉल है। ओ हो, फील्डर हटाते ही उठा दिया है, क्या बात है। इस बार भी फील्डर नहीं है वहां पे, अटैकिंग मोड में आते हुए बांग्लादेश के प्लेयर्स। हाँ भाई, कैसी लगी, आगे स्वाद। ओहो फ्लैट 6 की कोशिश, सैनी से ही करा रहा हूं मैं। और आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था लास्ट ओवर में पावर प्ले वापस आ जाएगा। A few moments later. ये एक ओवर है जिसमें बांग्लादेश अच्छा खासा मार सकती है, लेट्स सी क्या रहता है। और बढ़िया पहली बॉल, अरे 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 बच गया, और ये नो बॉल भी हो गई है, अभी चौका चला जाता पीछे। ओहो बढ़िया फ्री हिट, खराब नहीं हुआ, हमारे लिए खराब नहीं हुआ, उनके लिए खराब हो गया। ओ एज का एक और चौका, पकड़, अरे बढ़िया शॉट यार, बहुत बढ़िया शॉट। जिन ना अभी तक नहीं लिखा है कि क्या ये 100 के पार पहुंच पाएंगे, अभी भी एक और चांस है, जाके लिख के आ जाओ और प्रेडिक्शंस डाल दो अपने अपने कमेंट सेक्शन में।
क्योंकि जिस हिसाब से खेल रहे मुझे तो लग रहा है कि 100 के पार पहुंच जाएंगे। कप्तान साहब सैनी को समझा रहे हैं कि भाई खेलने दे इनको, दुखी मत हो तू। कोई बात नहीं, उसको नहीं मन था फेंकने का, उसने नहीं फेंका। और ये एक और 4 रन के साथ लास्ट बॉल बची हुई है, 100 और 1 रन के साथ अपनी पारी समाप्त करेंगे। 95 का टारगेट है गाइस हमें। स्टार्ट तगड़ी थी, फिनिश भी इन लोगों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये जो बीच में इन लोगों ने हगा है ना, इसकी वजह से ये लोग सिर्फ 94 तक पहुंच पाए हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा टोटल तो है नहीं चेस करने के लिए। पार्टिकल और धवन को बुलाते हैं और सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत करते हैं फटाफट से। लाइक नहीं किया तो गाइस जल्दी से जाओ लाइक का बटन दबा दो, चैनल के ऊपर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो। और रहमान की पहली बॉल कहाँ जाएगी? कहीं नहीं, फील्डर के हाथ में जाएगी। Just then, ओहो, एक ही तरीके की बॉल डाल रहा था यार, सोचा आगे बढ़ के शॉट मारूं, एज तो लगा है। पार्टिकल 0 रन बना के, वैसे ना अगर मैं यहाँ पे भी सिंगल सिंगल लेता हूँ तो बाद में मेरे को रन बनाने के पक्का से मौके मिलेंगे, बट अभी अगर मैंने सारे विकेट दे दिए ना तो हो जाना है काम। बस जो मैं कह रहा था वो ही नहीं करना था मेरे को, बाकी मैंने सब कर लिया। क्या आउट है, बहुत ज़्यादा जल्दी खेल दिया, छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा ये। अय्यर भी 5 रन बना के आउट, ये भी अर्ली यार, सारे अर्ली हो रहे हैं। कप्तान साहब खुद आए हैं और एक कप्तानी पारी की सख्त जरूरत है, और कुछ इसी तरीके से और शॉट्स मारने पड़ेंगे। बढ़िया शॉट और 4 रन मिलेंगे इसी के साथ में। अबे यार, अबे नहीं यार, सूर्य कुमार भी आउट हो गया इसी के साथ ही। जो इनके मैंने मजे लिए ना वो सही में मेरे ही पारी पड़ रहे हैं। एज है, एज लगी है, एज लगी है, पता नहीं क्यों अपील कर रहे हैं ये लोग। ले ओ, ले ओ, ओहो हो, ले ही लिया है। ये क्या हुआ, दिखाया क्यों नहीं इन्होंने? पिचिंग आउटसाइड ऑफ इम्पैक्ट बैट, और आगे कहाँ बॉल जा रही है उससे कोई लेना देना ही नहीं। अरे यार ऐसे आउट नहीं होना है, ऐसे आउट नहीं होना है। और एज भी हुआ था क्या? एज हुआ था ना मेरे ख्याल से। चलो तेवटिया ने बोला मैं आ गया हूँ, टेंशन मत लो। 2 राहुल अब क्रीज के ऊपर है और ये 4 रन तक तो नहीं जा पाएगी। चली जा, 3 रन तो आ गए, 3 रन तो आराम से आ जाएंगे और हम 4 भी काट लेंगे। मैं 4 के लिए जा रहा हूँ, इजी तो नहीं थे बट आ गए। हो, थैंक यू विकेट कीपर। जो मैंने डिफिकल्टी बढ़ाई है ना इसके अंदर, मेरे ही बारी पड़ रही है। ये भी चौके तक तो नहीं जाएगी यार, गुड गुड आइडियल के बाद भी चौके पे नहीं जा रही है ये। छक्के की बॉल थी यार ये। ओहो हो, ये जाएगी हाथ में सीधा फील्डर के। बहुत ही रिस्की डबल था ये, बहुत ज्यादा रिस्की डबल था ये। लास्ट बॉल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रन आ गए इस ओवर से। ये भी बाउंड्री पे तो नहीं जा पाएगी सही में भाई। ये लो, बहुत ही बढ़िया आउट है ये, पता नहीं कहाँ टह। ओ बच गया ये शायद, ओहो हो, शायद से ये बच गया है, शायद बच गया ये। बैट तो उसका जमीन के अंदर घुस गया था भाई, ये कहाँ टहल रहा था, बाल बाल बचा है ये। बस ऐसे ही यार, ये भी चौके तक नहीं जाएगी, गुड गुड आइडियल के बाद भी चौके तक नहीं जा रही है। 4-4 भागने पड़ रहे हैं और मैं 4 भी भाग नहीं पाया।
ये भी मुझे, ये चौके तक इतनी स्लो आउटफील्ड है ना ये। चलो फाइनली एक चौका आता हुआ। तेवटिया एक दो और चौके चाहिए हमें। Just then. अरे अरे नो नो नो, अबे यार डाइव और नहीं करी उसने। इस बार तो आउट है, इस बार नहीं बचेगा राहुल, नहीं बचेगा इस बार। एक राहुल ने दूसरे राहुल को ही धोखा दे दिया। ये गया, पर मेरे ख्याल से ना कोई एज लगी नहीं है, मेरे को तो आवाज नहीं आई। कर लेते हैं चैलेंज। और रिव्यू भी खराब हुआ। कैसा वक्त बदल दिया इन्होंने, जज्बात भी बदल दिए, सब कुछ बदल दिया भाई। मेरे को लगा था इजीली जीत जाऊंगा भाई। आखिरी उम्मीद हमारी अब भूवी है। वैसे उम्मीद तो कुछ है ही नहीं, अब फॉल्स होप्स हैं सारी। ये लो भाई, इतनी बुरी हालत यार, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। बट इतनी ईजी विन तो मैं नहीं दूंगा इनको। Shooting star, got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard.